Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Okay students, now the last question of the exercise 3.3 is find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ in the given figure. स्टूडेंट्स ये फिगर है पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके इसमें हमें क्या करना है एंगल पी और एंगल एस का मेजरमेंट फाइंड करना है और हमें दे रखा है कि एस पी जो है वो आर क्यू के पैरेलल है. एस पी जो है वो आर क्यू के पैरेलल है. ओके तो प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड हम पढ़ ही चुके हैं क्या अगर कोई साइड पैरेलल होती है कोई पेयर पैरेलल होता है तो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. ओके तो बच्चों पी और क्यू ये और ये अब देखेंगे कि एंगल जो एंगल पी और क्यू हैं उससे रिलेटेड जो साइड्स हैं मतलब आर क्यू कह लीजिए या फिर आप एस पी इन दोनों को जो मतलब ये दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं तो ये एडजेसेंट एंगल हुए इनके तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए. तो वही मैंने लिखा हुआ एंगल पी प्लस एंगल क्यू इजिकल्स टू 180 डिग्री क्योंकि ये जो है को इंटीरियर एंगल्स हैं. आप जानते हैं को इंटीरियर एंगल्स के अंदर की साइड बने हुए जो एंगल्स होते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं और सेम साइड में. तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इजिकल्स टू 180 डिग्री पी ऐसी रहेगा क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी है 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन वी विल सॉल्व दिस बाय ट्रांसपोजिंग मेथड. 130 डिग्री विल गो टू द राइट साइड देन वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 डिग्री. ओके देन वी विल गेट 180 माइनस 130 50 डिग्री. एंगल आर ऑलरेडी गिवन ऑफ 90 डिग्री. ओके बच्चों तो हमें एंगल पी फाइंड हो चुका है और एंगल आर फाइंड हो चुका है. देन अगेन वी विल अप्लाई फॉर आर एंड एस जैसे पी और क्यू क्या थे को इंटीरियर थे इसी तरीके से आर और एस भी क्या है को इंटीरियर एंगल है. तो एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एंगल आर विच इज गिवन हियर 90 डिग्री. ओके तो 90 प्लस एस इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड अगेन 90 विल गो टू द राइट साइड देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री then we will get 90 degree means angle as the measurement of angle as is 90 degree. okay तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है हमारे पास इसका एक और मेथड है उसको सॉल्व करेंगे उससे कहेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मीन्स सम ऑफ ऑल फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 360 degree. एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब हमें इस चारों में से तीन की वैल्यू पता है कि 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 360 डिग्री. 90 90 180 180 प्लस 130 310 और 310 विल गो टू द राइट साइड देन वी विल गेट एंगल पी इक्वल्स टू 50 डिग्री. ओके तो इस तरीके ये हमारे पास दूसरा मेथड था इस तरीके से अभी हम एंगल पी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3. आई होप यू विल गॉट दिस. ओके एंड डू मोर प्रैक्टिस सो दैट यू कैन डू इट वेरी वेल. ओके थैंक यू. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.